हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। और आज गोरखपुर में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं पानी का सैलाब। मैं अपने कॉलोनी से बाहर निकल चुका हूँ। पूरे 300 मीटर तक बारिश ही बारिश है और मेरा फ़ोन भीग रहा है, लेकिन मैं व्लॉग का इंट्रो लूँगा जरूर। तो आप लोग को अगर व्लॉग इंटरेस्टिंग लग रही हो, ये डेट है 28 सितंबर। अगर ये व्लॉग 30 को आते, 31 को आते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं ताज़ा खबर दिखा देता हूँ। मैं बता देता हूँ आपको कि आज ही का व्लॉग है 28 सितंबर का। ओके, मैं दिखाता हूँ आगे का सीन क्या है। आज बारिश में पूरा गोरखपुर घूमेंगे, मजा आने वाला है। सैया मारे लगड़िया में गिरैया मछरी, देख सकते हैं मेरे नी तक पानी आने वाला है, लेकिन मैं क्या करूँ, आप लोग के लिए ट्रैवल करके निकलता हूँ। बारिश में अलग अंदाज में दिखाता हूँ गोरखपुर, और मेरी बकबक सुनने के लिए ब्लॉक के एंड तक बने रहिएगा। तो मेरे पास बाइक तो है नहीं, लेकिन मैं अपने एक जोकर दोस्त को बुलाया हूँ, उसका इंट्रो करा देता हूँ। बकचोदी ब्लॉग रूप चैनल में भी वो रहता था, अरे, और उसको आज बुलाया हूँ। वो अपने साइकिल से घुमाएगा गोरखपुर, तो अलग ही अंदाज में आप लोग देखिएगा क्या ताज़ा हो रही है। अभी तो मेरे पास साइकिल भी नहीं, उसके पास साइकिल भी है। भाई मुँह क्यों छुपा रहे हो, भाई मुँह क्यों छुपा रहे हो। तो दोस्तों, अभी हम लोग गुजर रहे थे रुस्तमपुर से, और कार आधा डूब गई है, तो मेरी औकात क्या है, मैं तो साइकिल से हूँ। अब वो भी मेरी खुद की साइकिल नहीं, दोस्त की साइकिल है। अभी सीधे जा रहा हूँ, फ़ोन एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हूँ, कहीं गिर ना जाए। दोस्तों, सारी चीज़ ब्लर दिख रहा है, और थोड़ा मैं मजबूती से पकड़ा हूँ और उल्टे तरीके से। ये देखिए गोरखपुर, आपका यही हाल होगा, यहाँ घर लेंगे तो। मेरा दोस्त निकलने की कोशिश में अकेले अकेले पानी के बीच से, और वो पल्सर फंसा हुआ है। चैन फंस गया तोरी का, क्या करोगे, जोमेटो वाले सब परेशान। जाओ आदित्य, चढ़ा दो चैन। आदित्य को नहीं आता है। क्या आता है आदित्य को, हालत ख़राब है। और हम लोग निकल चुके हैं रुस्तमपुर, आधा किलोमीटर है, वहाँ से थोड़ी सी पानी कम हो गया। देखिए ये बाबू, तो आप लोग अवगत रहिए इस दुविधा से। और गोरखपुर में घर बनवाते हैं तो जहाँ सैनिटेशन की प्रॉपर व्यवस्था वहीं घर बनवाएं। 1 करोड़ का घर ले लें, आधे डिसमिल में चलेगा, लेकिन बड़ा बंगलो बनवाए, पानी जहाँ लगे, क्योंकि 1 महीने आपको दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों, बाल भीग चुका है, अभी तबीयत ख़राब होने वाला है, हम लोग का बिजनेस फ्लॉप जाएगा। हमको लग रहा है कि 200 अर्न कर, हमको लग रहा है कि हम लोग 200 अर्न करके आए हैं, 300 दवा में ना लग जाए। अरे झिल्ली चल गई पैरों, अभी निकलते हैं घर की तरफ। चल गए पैर, आप मेरे लैंग्वेज में मत जाइए, ठीक है। मुझे गंगा जी बहुत ताड़ी रुस्तमपुर में, अरे तो अब बाढ़ी आई बा गोरखपुर में, दादा। तो दोस्तों देखिए, आशीर्वाद का आटा लेके जा रहे हैं, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्लॉग बना रहा हूँ। अगर फ़ोन से मेरा हाथ गया तो 5000 का फ़ोन जाएगा, और जितने मेरे से प्यार करते हैं वो 5000 दे देना। देखिए ये आशीर्वाद का आटा लेके जा रहे हैं, अब गिर जाए फाट जाए तुरंत, इंसान आ जाए रोटी और सब्जी। आशीर्वाद, बाय बाय भाई, मजा आ रहा है। ए भाई भैया, बाय बाय, आओ आराम से, गिरना मत। आदित्य अभी हमको ड्रॉप करके ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से अपने घर की तरफ चला गया, ऐसे बोलना ड्रॉप किया जैसे लंबरगिनी से किया। कोई ना, वो भी वक्त आएगा जब मेरे पास लंबरगिनी होगी। और अभी मैं जा रहा हूँ घर, छाता हटा देता हूँ, बारिश हो रही है हल्की फुल्की, और पूरे गोरखपुर का हाल बेहाल है। छाता उड़ रहा है, पूरे गोरखपुर का हाल बेहाल है। मैंने पीछे वाले क्लिप में कुछ फ़न के साथ आपको दिखाया कि कैसे मस्ती किया मैंने गोरखपुर में पानी को बीच में, और कुछ मेरी बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ करना। अभी घर पे जाते हैं, फिर शाम तक मैं वीडियो को एंड करूँगा। एंड वॉच, तो चलो इसी बात पे तुम लोग गाना सुनो बारिश वाला। दोस्तों अभी मैं आपको शायरी सुनाता हूँ, क्योंकि गाना सुना नहीं पाऊँगा, फटे स्पीकर की तरह मेरी आवाज़ है। अगर इस बारिश के मौसम में तुम ना आओ तो फिर हम अकेले रह जाएंगे, और चूतियाँ हैं वो लोग जो करते हैं प्यार, क्योंकि वो लोग ही हैं जो अपने प्यार के बिना मर जाएंगे। दोस्तों मेरी आवाज़ की तरह मेरी शायरी भी बेकार लगी ना, कोई ना, आदत डालनी पड़ेगी। मेरी आदत डालोगे तो बहुत आगे जाओगे, मैं तो जा ही रहा हूँ। मेरे कॉलोनी का हाल है, मेरे बच्चे मज़ा दे रहे हैं, बस 100-150 मीटर पानी है, उसके बाद मेरा घर आ जाएगा। दिस इज़ माई कॉलोनी, दिस इज़ माई हाउस, हरियाली हरियाली दिखेगी आपको मेरे घर में। दोस्तों फाइनली अभी मैं ट्रांसपोर्ट नगर से पैदल ही 2 किलोमीटर आ गया, मोबाइल चलाते हुए और वीडियो शूट करते हुए। फौलाद हैं हम, फौलाद, अगले आयरन मैन हम ही होने वाले हैं, हेमंत मिश्रा। ओके, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और सेकेंड वन
मी दैन। अभी घर पे आ चुके हैं, अभी जाते हैं सोते हैं, मेरा सर भारी हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप छतरी हाथ पे रखिए और मिलते हैं, बाय बाय।